ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? हुरिया वापस आ गई। ये क्लिप संडे का है और हुरिया अभी अभी सुबह ही गई थी और वापस आ गई है और बता रही है कि मेरा पेपर कैंसिल हो गया। आज आज लास्ट पेपर था इसका। चलें आज हुरिया का बैग देखते हैं, व्हाट्स इनसाइड द बैग। दिस इज़ फॉर अलविया, नॉट फॉर मी। और क्या है आपके बैग में? वेरी नाइस। ये कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है, सो इसके बैग में से यही निकल रहा है, लैपटॉप, चार्जर्स। इसके अलावा पानी की एक बॉटल है और एक हेयर ब्रश है। और क्या है हुरिया, और भी कुछ निकालें दिखाएं? वेरी नाइस। क्या है ये? अच्छा, और इसके पास कैलकुलेटर है और कुछ चेंज है जो कि सबके बैग में होता है, और दैट्स इट। और ये अब शाम का टाइम है और हम लोग आए हुए हैं हॉबनॉब बेकरी पे। यहाँ से एक बर्थडे के लिए केक लेना है और रेड वेलवेट में केक है जिसपे कुछ लिखवाना भी है। इनफैक्ट ये बर्थडे केक मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड का है, सो ये केक और कैंडल्स वगैरह लेके उसके घर जाएगी और वहाँ सेलिब्रेट करेगी। और जी केक के ऊपर लिखवाया है यू लाइट अप माई वर्ल्ड। कार्ड से करेंगे पेमेंट? क्या चाहिए? बस जी से इसकी फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप किया है और तकरीबन हमें एक घंटा लग गया वहाँ से ड्रॉप होने के बाद आ खान हॉस्पिटल आने में। यहाँ हस्बैंड के कज़न एडमिटेड हैं जो कि इनके बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, और ये बस 2 दिन के बाद ही डिस्चार्ज होने हैं यहाँ से। ये खुद भी डॉक्टर ही हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे यहाँ पे, सो ये एडमिटेड हैं। आगा खान हॉस्पिटल की तो क्या ही बात करें, ज़बरदस्त सा एम्बियंस है और अंदर भी बड़ी क्लीनलीनेस और हर चीज़ बड़ा डिसिप्लिन के साथ होती है। और ये इनके रूम का व्यू बहुत खूबसूरत था यहाँ से। आई डोंट नो कि कैसा कैमरा में कैप्चर हो रहा है, मगर सामने से तो बहुत खूबसूरत था। तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटा बैठने के बाद बस हमारी घर वापसी है। अच्छा जी, एक बात बताएं, हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एलिवेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बहुत सारा मेकअप, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें? बिल्कुल नहीं, जस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। और लोगों के कहने पे बिल्कुल भी मत चलें, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही आपको। कोई कहेगा कि ओ रंग काला हो रहा है इसका, कोई कहेगा कि ओ कितनी दुबली हो गई है, कभी मोटी हो गई है, कभी कहेंगे कैसे कपड़े पहनती है यार, ये स्कार्फ नहीं लेती, स्कार्फ लेती है इसलिए अच्छा नहीं लगता। मतलब हज़ारों लाखों बातें होंगी, एक्स वाई जी बहुत सारे इश्यूज लेके आ जाएंगे लोग आपके लिए। सो अपनी एनर्जी को लोगों की मानने और अपनी ज़ाहरी खूबसूरती को लेकर परेशान बिल्कुल मत हुआ करें। हमें से बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात अपनी स्किन को लेके, अपने बालों को लेके बहुत परेशान रहते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ख़ुद को इस तरह कैरी करें कि आप खुद कंफर्टेबल हों, और अपने पर्सनल स्टाइल को तलाश करें और फिर डेवलप करें कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, आप वर्किंग हैं, घर में रहती हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं इसमें कम्फर्टेबल हूँ, मुझे सूट करता है, तो वही स्टाइल अपनाएं। और यहाँ बन रहा है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में बन रहा है फ्रेंच टोस्ट, और ये स्पेशल फरमाइश पे बन रहा है। जो हॉस्पिटलाइज थे ना हस्बैंड के कज़न, वो हमारे यहाँ उनका स्टे है कुछ डेज़ के लिए। बहुत ही क्विकली बन जाने वाला फ्रेंच टोस्ट, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। बस इसमें 2 अंडे शामिल किए हैं, 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया है इसमें, और गुड़ डाला है तकरीबन 3 टेबलस्पून, थोड़ा सा वेनिला एक्सट्रैक्ट डाला है, और बस थोड़े से ही ऑयल में इसको रख देना है। और इसकी जो ख़ास बात है ना, क्योंकि पहले मुझसे ये अक्सर टूट जाते थे, मगर फिर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया तो बेस्ट इसकी जो ट्रिक है वो यही है कि इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पर बनाया जाए और थोड़ा सा ढक्कन दे दिया जाए, तो बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। और दूध और जो अंडे हैं ना, उनकी क्वांटिटी भी बिल्कुल सही हो, क्योंकि अगर 2 अंडे हैं तो ज़्यादा दूध नहीं डालना चाहिए।
फ्रेंच टोस्ट के बाद मैंने फ्रेश वाला ऑरेंज जूस भी निकाल लिया और एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो गया इस तरह। और यहाँ अब रात हो चुकी है, लेट नाइट तो नहीं कह सकते, बस क्रेविंग वाला सीन है कि चॉकलेट केक खाने का मूड हो रहा था। सो हम लोग बना रहे हैं एयर फ्रायर में चॉकलेट केक। उसकी रेसिपी, क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर करती चलूँ। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून मैदा है, 1/2 कप शुगर है और इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब शामिल करेंगे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, जिसमें 1 अदद अंडा है, 4 टेबलस्पून मिल्क है, 4 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल शामिल किया है और 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस भी शामिल किया है। फॉइल पेपर कवर करने से और फिर उसमें कुछ होल्स कर देने से केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त कलर आया इसके ऊपर और बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत मॉइस्ट केक बना था। बस ये केक को डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर हमने डाली है आइसक्रीम और बहुत ही ज़बरदस्त था, मज़ेदार केक हमने खाया है। और इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।